जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस न्यू ईयर के साथ आप भी अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करें। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। जो नेगेटिव लोग हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उसे आप पीछे छोड़ें, उससे आप मूव ऑन करें और अपनी सक्सेस की ओर कदम आगे बढ़ाएं। हम आप सब लोगों के लिए ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। डियर, आज साल का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में आप एक संकल्प ले लीजिए कि जो भी लोग आपको परेशान करते हैं, जो भी आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो भी आपको पीछे खींचते हैं, आपके सक्सेस के आगे खड़े होते हैं, आप उन्हें अवॉइड करेंगे, आप उन्हें इग्नोर करेंगे। और संकल्प लीजिए कि आपका आत्मविश्वास हमेशा स्ट्रांग रहेगा, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और अपने करियर पर फोकस करेंगे, सेल्फ लव करेंगे। जब आप स्वयं से प्रेम करेंगे तो लोग भी आपसे प्रेम करेंगे। और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, आगे बढ़ेंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे कि ये 2022 आपके लिए कैसा होगा। हम सब ने 2021 में बहुत लोगों को खोया है। किसी ने अपनी माँ खो दी, तो किसी ने अपने पापा खो दिए, किसी ने अपना भाई खो दिया, तो किसी ने अपना हस्बैंड खो दिया, किसी ने अपनी वाइफ खो दी। किसी न किसी ने कुछ ना कुछ खोया है इस 2021 में। अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमें उस दर्द से निकलना है, ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग करनी है। तो आज ना हम इस टॉपिक पर रीडिंग सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट की गई थी हमसे कि दी प्लीज़ इस टॉपिक पर रीडिंग करिए। तो हमने यहाँ पर प्यारे से गिफ्ट बॉक्सेस दिए हुए हैं। जो गिफ्ट बॉक्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसे चूज़ करिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस प्यारे से गिफ्ट बॉक्स को, तो देखिए इस गिफ्ट बॉक्स में आपके लिए क्या निकलता है। 2022 आपके लिए कैसा होगा, क्या लेकर आएगा, क्या देकर जाएगा, क्योंकि 2021 ने तो हम सबसे बहुत कुछ छीना है, हमारे अपनों को। बहुत सारे लोगों के साथ कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा हुआ, लेकिन 2022 कैसा होगा? तो डियर, सबसे पहले ना आप ये समझिए कि 2022 आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत ज़्यादा। आप अपनी ज़िंदगी में हर दर्द को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। आज आप कहीं स्टक हैं, आज आप निकल नहीं पा रहे हैं, आज आप चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैचमेंट है आपका। कभी कभी ना हमें अच्छे से पता होता है कि ये इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है, ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमारा उससे अटैचमेंट होता है और हम उस अटैचमेंट को रिलीज़ नहीं कर पाते। उस अटैचमेंट की वजह से उससे हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे भले ही हमें कितने दर्द, कितने दुख क्यों ना देखने के लिए मिले। तो 2022 आपकी ज़िंदगी में एक खुशी की किरण लेकर आएगा, एक रोशनी लेकर आएगा। 2022 में आप अपने पास्ट से, उस दर्द से मूव ऑन करेंगे जिस दर्द में आज आप स्टक हैं, जहाँ से आज आप निकल नहीं पा रहे हैं। लेट गो करेंगे आप उन सभी चीज़ों से जो आपको रोकती है, जो आपको दर्द देती हैं, जो आपकी सक्सेस के आगे खड़े होती हैं। उन सभी लोगों को आप पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे जो आपको पीछे खींचते हैं, ये समझ लीजिए।
पता है, आप ना चीजों को कल पर छोड़ते हैं, आप ना आज के बारे में ही सोचते हैं कि हमारा आज कैसा है। आपको हमेशा लगता है कि कल कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कर पाए तो कल कर लेंगे। पता है, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप पास्ट के बारे में सोचेंगे तो भी आपको दर्द मिलेगा, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तब भी दर्द मिलेगा। किसी रिलेशनशिप को लेकर अगर आप परेशान हैं, पास्ट में उसने कितने दर्द दिए हैं, फ्यूचर में कितने दे सकता है, ये मत सोचिए। केवल प्रेजेंट को एंजॉय करिए, केवल प्रेजेंट को जीना शुरू करिए, प्रेजेंट के बारे में सोचिए। आप फ्यूचर और पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब क्यों करते हैं, जबकि कल कभी होता ही नहीं है। आपका आज ही तो आपका कल बनेगा। अगर आपका आज बेहतर होगा तो आपका कल भी बेहतर होगा। ये आपके ऊपर, आपके हाथों में है। आपको वर्तमान में जीना है। आपको चीज़ों को कल पर नहीं छोड़ना है कि कल कर लेंगे। आपको ये सोचना है कि आपको ये आज ही करना है, कल कभी नहीं आता, कल किसने देखा है। 2022 आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बिग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है। आज आप जहाँ खोए हुए हैं, ये समझ लीजिए, आज आप जहाँ अटके हुए हैं, जहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, कल आप वहाँ नहीं होंगे। आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आप स्पिरिचुअल जर्नी में अपने हायर लेवल से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने वाले हैं। आप एक मास्टर सोल बनने वाले हैं। 2022 आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारा अबंडेंस लेकर आ रहा है, ये समझ लीजिए। बस ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप जैसे इंसान है ना, अपनी रियलिटी को पहचानिए। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बुजदिल नहीं हैं, समझ रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है। आप कभी भी हार मानने वालों में से नहीं हैं, आप जिंदगी की हर जंग जीतने वालों में से हैं। आप पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं हैं, आप उनका सामना करने वालों में से हैं। तो अपनी पावर्स को पहचानिए और इस दर्द को यही छोड़ दीजिए। ये दर्द आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आपको पता है, आप एक डिवाइन सोल हैं। आप माँ प्रकृति की तरह हैं, सबको प्यार बांटने वाले, सबकी केयर करने वाले, सबके बारे में सोचने वाले। आपको पता है, आप यहाँ पर एक लग्जोरियस लाइफ जीने आए हैं, समझ रहे हैं, जिसमें सब कुछ होगा, सब कुछ, हर फील्ड में आप अपनी सक्सेस का झंडा फहराने आए हैं। हमने मास्टर सोल बोल दिया आपको। अब बस आप इतना समझ जाइए, आप इस पूरी दुनिया पे राज करने आए हैं। हाँ, बस आप इस दर्द से बाहर निकल जाइए। इस दर्द से आपको निकलना होगा। माना माना कि आपको बहुत धोखे मिले हैं। आपने हमेशा लोगों को दिया लेकिन आपको कभी मिला नहीं है। आपने हमेशा दूसरों की राहों में फूल बिछाए हैं लेकिन लोगों ने हमेशा आपके रास्ते में, आपकी राहों में कांटे बिछाए हैं, कंकड़ पत्थर फैलाए हैं, कांच फैलाए हैं, ताकि आप जख्मी हो जाएं, घायल हो जाएं। अब देखिए, ये वो लोग हैं जो कभी आपकी बराबरी नहीं कर सकते, जो कभी आपसे अपनी तुलना नहीं कर सकते, जो आपके लेवल पर कभी जा नहीं सकते। तो क्या करें, वो आपको जख्मी कर देना चाहते हैं लेकिन आप क्यों वहीं पड़े रह जाना चाहते हैं? उनके कांटे फैलाने से, उनके कंकड़ पत्थर बिछाने से आप क्यों हार मान लेना चाहते हैं? नहीं ना, आपको हार नहीं माननी है। जो आपके पास था, आपके पास प्यार था, आपके पास करुणा है, आपके पास दया है, आपने लोगों को वही दिया है। और जो लोगों के पास था वो लोगों ने दिया है। आपकी और लोगों की कोई बराबरी थोड़ी है। आप सोचिए,
आप सोचिए कि आप कभी कैसे इंसान हुआ करते थे, कितने पावरफुल, कितने स्ट्रांग, कभी होपलेस नहीं होने वाले, कभी भी नहीं, और कितने नॉलेजबल, कितने स्पिरिचुअल, हमेशा सच का साथ देने वाले। जो आप ठान लेते थे आप वो करते थे, जो आप मैनिफेस्ट करते थे वो आपको मिलता था। हमेशा लाइफ की न्यू बिगनिंग करने वाले, हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाने वाले, लोगों की ज़िंदगी में उम्मीद का दीपक जलाने वाले। आज अगर आप खुद इस तरह रहेंगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? आप तो क्वीन हैं, आप तो एम्प्रेस हैं, आप तो किंग हैं, आप तो एम्परर हैं। ये सब आपकी प्रजा है, आपको इसका पालन करना है, इसके हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपने हिसाब से चलना है और लोगों को चलाना है। आप उनके हिसाब से मत चलिए, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। हमें लगता है कि किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया है, वरना इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी, इतना स्ट्रांग इंसान, जो कभी भी निराश ना होता हो, जो कभी भी नेगेटिव ना सोचता हो, जो कभी भी होपलेस ना होता हो, उसकी ऐसी स्थिति देखकर यही लगता है कि किसी ने बहुत करीब आकर आपको तोड़ा है। कोई बात नहीं, पता है आपको हमेशा ये फील होता है ना कि क्या उसने कभी आपसे प्यार नहीं किया? हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए परेशान हों, या फिर आप जिनसे प्यार करते हों आपके पार्टनर के लिए। आपको कभी कभी यही लगता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो लोग मेरे प्यार को नहीं समझ पाते, मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो लोग मेरे साथ धोखा करते। आप में कोई कमी नहीं है, आपको पहचानने की, आपको समझने की उनकी हैसियत ही नहीं है, उनका लेवल ही नहीं है ना? और वो आपके लेवल पर तो इतनी जल्दी आ नहीं सकेंगे। आप एक हायर लेवल की सोल है, आप एक मास्टर सोल हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं। आपको पता है पृथ्वी पर जब जब पाप बढ़ता है ना, ईश्वर आप जैसी आत्माओं को इस धरती पर भेजते हैं एक बड़े उद्देश्य से, एक बड़े रीजन से, ताकि आप पृथ्वी पर जाकर लोगों को सत्य का रास्ता, प्रेम का रास्ता, अहिंसा का रास्ता दिखाएं, ज्ञान का रास्ता दिखाएं, ना कि खुद भटक जाएं। और एक हायर लेवल की सोल को एक लो लेवल की सोल कैसे पहचान सकती है, कैसे समझ सकती है, कैसे उसके लायक बन सकती है? नहीं है, वो आपके लेवल के नहीं है, वो आपको डिजर्व ही नहीं करते। आप तो कोई बहुत अच्छा इंसान जो आपके लेवल का हो, आप उसे डिजर्व करते हैं। ऐसे बेवकूफ लोगों को आप डिजर्व नहीं करते, वो आपको डिजर्व नहीं करते। बेवकूफ तो बेवकूफों के साथ ही मस्त रहेंगे, उन्हें तो वही सही लगेगा, लेकिन आप जो हैं आप अभी शायद खुद को जानते ही नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो चुकी है, आपको अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना है। आप बहुत प्यारे इंसान हैं, बस पता है लोग क्यों रूठ जाते हैं? क्योंकि आप बटरिंग नहीं कर पाते, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं, आप बिल्कुल कड़क बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ओहो ये तो समझता ही नहीं है, ये तो ऐसा है तो वैसा है। आज के समय में चापलूसी, बटरिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, और आपको ये पसंद नहीं है, और आपको पसंद नहीं है, इसी वजह से लोग आपको छोड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, आप अपने लेवल के लोगों की तलाश करिए, जो आपको समझें, जो आपको समझें, जो बिना कहे आपको समझें। ये नहीं कि आप उनके लिए ही रोते रहें, आप उनके लिए ही पड़े रहें, स्टक रहें एक एनर्जी में। नहीं, धोखा चाहे अपनों ने दिया हो या फिर गैरों ने दिया हो, बस आप इतना समझ लो ये वो लोग हैं जो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इनका वो लेवल ही नहीं है, इनका जो चेतना का स्तर है वो गिरा हुआ है, और एक हाई लेवल की सोल को ये नहीं समझ सकते, और इसी वजह से वो आपको दर्द देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि वो आपसे अपनी बराबरी नहीं कर सकते। तो उन्हें लगता है कि भाई इसे ऐसे ही तोड़ दो, क्योंकि इसे पीछे खींचना तो बड़ा मुश्किल है ना? इससे हम जीत तो सकते नहीं हैं, तो चलो इसे जख्मी कर देते हैं, और वो भी प्लानिंग करके जख्मी कर देते हैं। हमें पता है आपको बहुत धोखे मिले, 2021 आपके लिए बहुत दर्दनाक रहा है, कभी भी आपके अपनों से भी आपको वो प्यार नहीं मिला जो आप डिजर्व करते थे,
कभी भी उन्होंने आपके काम को, आपके प्यार को, आपकी केयर को अप्रिशिएट नहीं किया है ना? कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुई किसी भी रिश्ते में, लेकिन फिर भी आपने अपने हिसाब से, आपसे जितना हो सका आपने उनको दिया, आपने उन्हें प्यार दिया, सब कुछ आपने उनके लिए किया। कोई बात नहीं, आपने अपना फर्ज निभाया ना, आपने निभाया, कोई ना देखे पर ईश्वर तो देख रहे हैं। लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आप अकेले होने से ना डरें, आप शेर की तरह रहें, आप भीड़ के मोहताज ना बने। कोई साथ रहे तो अच्छा, कोई ना रहे तो अच्छा, आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आ जाता है तो वेलकम, और चला जाता है तो भीड़ कम, कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं के साथ, खुद के साथ मस्त रहिए। बेकार के लोगों के लिए आंसू मत बहाइए, आपके आंसू बहुत कीमती हैं, बहुत ज़्यादा। आपको पता है ज़्यादातर ना नेगेटिव जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं वो सिर्फ आपकी चमक धमक को देखकर आते हैं, क्योंकि आप एक रॉयल जिंदगी जीने वाले इंसान हैं। 2022 आपके परिवार में, आपकी लव लाइफ में, ये लव लाइफ नहीं जो आजकल जिसमें आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं, दर्द देख रहे हैं, जिसमें आपको धोखे मिल रहे हैं, ये नहीं, बहुत बेहतरीन लव लाइफ। आप देखना आपकी लाइफ में कौन आएगा। बस आप ये समझ लो कि आपकी लव लाइफ 2022 में बहुत बेहतरीन होगी। आपकी लेवल का इंसान ईश्वर आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। हम बता रहे हैं ना, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, एक मेजर जिसे ईश्वर तय करेंगे कि कब, कैसे, क्या होगा। समझ रहे हैं? इस 2022 में आप हर तरह से स्टेबल होंगे। अभी आपकी लाइफ हो सकता है कि स्टेबल ना हो। आपने 2021 में बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, काफ़ी एक्शन भी लिए हैं, काफ़ी मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन भी किया है अपनी लाइफ में बैलेंस करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। सो डोंट वरी, 2022 में सब कुछ बेहतरीन होगा, सब कुछ। समझ रहे हैं? 2022 में हर तरह से आपकी लाइफ बैलेंस होगी, स्टेबल होगी हर तरह से, और स्पेशली फिनेंशियली। तो हम आपको क्या बताएं, आप एक रॉयल ज़िंदगी जिएंगे, एक रॉयल ज़िंदगी जिएंगे। आप जो भी करना चाहते हैं वो सब कुछ कर सकेंगे। आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी 2022 में, बस इतना समझ लो आप। आपकी किस्मत, आपका भाग्य हर तरह से आपका साथ देगा, हर तरह से। आप जो सोचेंगे, जो पाना चाहेंगे, वो सब कुछ आपको 2022 देगा। बस पॉजिटिव रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए, अच्छी चीज़ों को कल पर मत छोड़िए, और अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस का सेलिब्रेशन करिए, ठीक है? और अपने साथ साथ और भी लोगों को सही रास्ता दिखाइए, उन्हें मोटिवेशन दीजिए, और उनकी ज़िंदगी में एक संतुलन लेकर आइए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना, क्योंकि लोगों का काम तो कहना होता है। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे, बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस प्यारे से गिफ्ट बॉक्स को, तो चलिए खोलते हैं, देखते हैं कि 2022 में आपके लिए क्या है। ये 2022 आपको क्या देकर जाएगा, आपसे क्या लेकर जाएगा, कैसा होगा आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सक्सेस के लिए। सबसे पहले एक छोटी सी गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, जो कि ईश्वर की तरफ से है। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बनी रहती है कुछ चीज़ों को लेकर। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, सब कुछ है,
लेकिन आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। क्यों? पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके भय और चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। आपको ईश्वर पर फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। आप बोलते तो हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपका मन डगमगाया करता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसी वजह से ईश्वर कहना चाहते हैं कि चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा, भरोसा रखिए और आस्था रखिए। आपका विश्वास और आपकी आस्था, आपका ट्रस्ट और आपका फेथ आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। पता है आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, ऐसी नॉलेज जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आ सकती है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में खुशियां लेकर आ सकती है, लेकिन आपने अपने उस नॉलेज को, अपने उस ज्ञान को अपने ही अंदर कहीं समेट के रखा हुआ है। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने उस ज्ञान को, अपने उस नॉलेज को लोगों में बांटें, लोगों में बांटें, लोगों को जीना सिखाएं। और आप ओवर थिंकिंग ना करें, आप जस्टिस लवर इंसान हैं, हर किसी को न्याय दिलाने के पीछे पड़े रहते हैं। आपको झूठ बोलने वाले, चापलूसी करने वाले, दूसरों के साथ अन्याय करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आपका खून खौलता है, आपको बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों को देखकर, और हमेशा आप दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं, दूसरों के अधिकार के लिए लड़ते हैं। आप हमेशा दूसरों को जस्टिस दिलाने के लिए खुद आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन लोग आपको ही जस्टिस नहीं देते। आप लोगों से जो प्रॉमिस करते हैं, जो वादे करते हैं, आप उन वादों को, उन प्रॉमिसेस को पूरा करते हैं, पूरा करते हैं, लेकिन लोग आपसे बड़ी बड़ी कस्में खाकर, बड़े बड़े वादे देकर मुकर जाते हैं। झगड़ा दूसरों का होता है, लेकिन आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरों को बचाते बचाते आप खुद फंस जाते हैं। ऐसा अक्सर आपकी लाइफ में होता है। और पता है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप अपनी अच्छाई का इस्तेमाल हमेशा गलत लोगों के लिए करते हैं। आप एक्चुअल में लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। आप लोगों को बहुत सही समझते हैं और उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, उनकी बहुत मदद करते हैं, लेकिन वही आपके पीठ पीछे छुरा घोप कर चले जाते हैं। पता है, जो खो गया है, जो गिर गया है, जो चला गया है, जो नहीं है आपके पास, आप उसके लिए रोते हैं, लेकिन जो है आपको उसकी कद्र क्यों नहीं है, ये नहीं करते आप। हो सकता है कि आपने बहुत पहले किसी को खो दिया हो, आपसे कुछ छीन गया हो, आपसे कुछ ऐसा है जो दूर चला गया है, ठीक है, लेकिन आज भी आपके पास कुछ है, उसके जैसा ही है, आप उस पर तो ध्यान दीजिए। हाँ, जो चला गया सो चला गया, उसके लिए जिंदगी भर शोक मत मनाइए, क्योंकि आप जिंदगी भर शोक मनाएंगे, लेकिन आज जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप कहीं ना कहीं उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आप अपने दर्द में इतना डूब जाते हैं कि आप उनको नहीं देखते कि उनकी जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया हो पास्ट में और वो आपको छोड़कर चला गया हो, आपके प्यार को ठुकरा कर चला गया हो, तो आप अभी भी उसके लिए रो रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, जो आपको प्यार देना चाहते हैं, आप उनके प्यार को इग्नोर करते हैं। दूसरों का गुस्सा आप अपने परिवार पे निकालते हैं, दूसरे आपके साथ धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, आपको चीट करते हैं, आप उनका गुस्सा उनके ऊपर क्यों निकालते हैं जो आपको देख कर जी रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, जिनका आपके अलावा कोई नहीं है, उनके साथ आप ऐसा क्यों करते हैं? बताइए, जवाब दीजिए हमें। तो थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करिए, क्योंकि हम आपको बताएं, 2022 में आपके सामने बहुत सारे लोगों का नकाब उतरने वाला है, बहुत सारे लोगों का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है। जो पॉलिटिक्स आपके साथ लोग खेल रहे हैं ना, और जिनके लिए आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आस्तीन के सांप हैं, और उन आस्तीन के सांपों का असली रंग आपको दिखने वाला है 2022 में।
हो सकता है कि आपको ये लगे कि 2022 आपके लिए बहुत बुरा है। आपको ऐसा फील होगा कुछ समय के लिए, क्योंकि आपका विश्वास टूटेगा। एक रील बहुत ज़्यादा फेमस है, कोई पूछता है कि बहुत दर्द होता है ना जब दिल टूटता है, तो कोई कहता है कि नहीं, उससे भी ज़्यादा दर्द तब होता है जब विश्वास टूटता है। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं वो लोग, आपका विश्वास ही तो टूटेगा। आपका बहुत बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक होगा इस 2022 में, और आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आप बहुत अकेले हो जाएंगे। लेकिन उसी टाइम पर कोई डिवाइन सोल आपका हाथ पकड़ लेगी, आपका हाथ थाम लेगी। आप कम से कम ये दर्द 1 महीने तक फेस करेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपके सारे जख्म भर देगा और आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करेगा। आपको सेल्फ लव करना सिखाएगा, आपको प्यार का मतलब समझाएगा, आपको जिंदगी का सही रास्ता दिखाएगा। अभी आप अकेले होने से डरते हैं, अकेले होने से डरते हैं, लाइफ में अकेले कोई एक्शन नहीं लेते, आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, क्या परिणाम होगा, आपको लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, और जब तक मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो वो जो पर्सन होगा ना, आप उसके सहारे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे 2022 में। अब तक आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन सच्चा प्यार आपको नसीब नहीं हुआ है। दिल पर हाथ रख के बोलिए, इतने लोगों के आने के बाद भी हो सकता है कि अभी आप किसी के साथ रिश्ते में हो, लेकिन क्या आपको कभी ये फील नहीं होता कि कुछ कमी सी है, कुछ अधूरा सा है? इतना कुछ होने के बाद भी आप फिनेंशियली कितना भी सक्सेस हासिल कर लें, आप लग्जूरियस लाइफ जिए, कोई दिक्कत नहीं, आप एक रॉयल जिंदगी जिए, आपको बहुत प्यार करने वाला परिवार हो, प्यार हो सब कुछ, लेकिन एक कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि वो ट्रू लव नहीं है आपका, वो आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए लोग हैं। और इस 2022 में आपको आपका ट्रू लव मिलेगा, आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा, आपको आपका सोलमेट मिलेगा। कुछ लोगों का तो ट्विन मिलने वाला है, कुछ लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट उन्हें इस 2022 में मिलेंगे, जिसके मिलते ही आपको लगेगा कि तलाश खत्म हुई। आप अंदर से बहुत कंप्लीट कंप्लीट सा फील करेंगे, जैसे कि हाँ, अब वो कुछ नहीं चाहिए, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन अंदर से एक सेटिस्फेक्शन फील होगा, जो एक प्यास है ना, जो एक तलाश है ना, जो इतने लोगों के आने के बाद भी, इतना कुछ पाने के बाद भी मन में एक खलिश सी रहती है, एक खलन सी रहती है कि यार कुछ नहीं है, इतना कुछ है भी लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लेकिन बहुत कुछ मिलेगा 2022 में। ये 2022 आपके लिए बहुत अच्छा है, पता है क्यों? उन लोगों का चेहरा सामने आना बहुत जरूरी होता है जो हमारे मुंह पर मीठे होते हैं, हमारे अपने बनकर हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारी सक्सेस पे रोक लगाते हैं, वो हमेशा हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपने की तैयारी करते हैं। बताइए, आपको लगेगा कि बहुत बुरा रहा, लेकिन वो बुरा नहीं, आपके लिए हर तरह से अच्छा होने वाला है। 2021 में भी तो कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, आपने कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के सर पे उठा ली, कितने लोगों के लिए आपने क्या नहीं किया, पर क्या मिला? वक्त आने पर बेइज्जती, वक्त आने पर उन्होंने ये बोल दिया कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुम करते ही क्या हो? मतलब कि मुर्गे ने तो अपनी जान गंवा दी और खाने वाले को स्वाद नहीं मिला, मुर्गा तो जान से चला गया लेकिन खाने वाला कहता स्वाद नहीं था, टेस्ट नहीं था। ऐसा ही आपने तो अपनी जी जान लगा दी इनकी खुशियों के लिए, और वो कहते हैं कि तुमने हमें दिया ही क्या है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। फिर टूट जाते हैं आप, बहुत टूटे हैं आप 2021 में अपनों के बिहेवियर से,
आपका मन हुआ कई बार कि आप अपने लिए एक्शन ले लें, आप कहीं दूर चले जाएं। कई बार आपका मन हुआ है, सोचिए, दिल पर हाथ रखिए, नहीं हुआ आपका मन? कई बार आपका मन हुआ कि आप कहीं दूर चले जाएं, कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाएं, सब कुछ छोड़कर चले जाएं, पर नहीं कर सके। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट गए, चिंता, व्यथा, दुख, दर्द घेर लिया इन सब चीज़ों ने आपको, और आप अपना एक्चुअल रूप, आप अपने एक्चुअल पर्सनालिटी को भूल गए कि आप वाकई में क्या हैं। भूल गए, इस दर्द में कहीं खो गए। तो ये समझ लीजिए कि 2021 में जितने भी दर्द मिले हैं ना आपको, कुछ लोग आपकी लाइफ में आए तो कुछ गए, कुछ लोगों की लाइफ से आपने मूव ऑन किया तो कुछ लोगों ने आपकी लाइफ से मूव ऑन किया, हाँ, कुछ लोगों ने आपको नीचा दिखाया, आपका विश्वास तोड़ा, और कुछ लोग आज भी अभी बाकी हैं जो 2022 में दिखाएंगे। कोई ना, परेशान मत होना, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं बस आप ट्रस्ट रखना, वो हमेशा आपके साथ होंगे। और 2022 में आपको पता चलेगा कि ट्रू लव क्या होता है। अब तक आप जिनको सच्चा प्यार समझ रहे हैं ना, जिनके लिए रो रहे हैं ना, वो नहीं सच्चा प्यार आपका, नहीं, वो सिर्फ कार्मिक हैं। क्या कार्मिक लोगों से अटैचमेंट नहीं होती? बिल्कुल होती है। क्या उनसे प्यार नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या वो दर्द नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। लेकिन ट्रू लव तो आपको 2022 में ही मिलेगा। और हम कुछ लोगों की बात करें यहाँ पर, तो जो आज अपने पार्टनर से सेपरेट हैं, हो सकता है कि वो मैरिड हैं, वो मैरिड हैं, और कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान आ गई हो, फैमिली हो, कोई और हो, जिसने आप दोनों को अलग कर दिया है, तो 2022 में आपका यूनियन होगा, 2022 में आप साथ होंगे, 2022 में उस थर्ड पार्टी का पर्दाफाश होगा, 2022 में वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से 9 to 11 करेगी, समझ रहे हैं, उसको भगाया जाएगा 2022 में। अभी हो सकता है कि आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, आपका कभी कभी मन करता है कि आप मूव ऑन कर लें, आप मूव ऑन कर लें, आप मूव ऑन कर लें, लेकिन नहीं, 2022 में आपको आपके सब्र का फल मिलेगा। आपने जो अब तक इतना इंतज़ार किया है, इतना ईश्वर से प्रे की है, प्रार्थना की है, मैनिफेस्ट किया है, उसका परिणाम मिलेगा आपको 2022 में। मतलब कि यहाँ पर कुछ लोगों का हमें यूनियन भी नज़र आ रहा है, स्पेशली उनका जो मैरिड हैं। हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनुराशि। उसके बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, लेकिन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत कम है। तो डियर, आप इमोशनली, फिनेंशियली, प्रैक्टिकली हर तरह से 2022 में स्टेबल होंगे। हाँ, जब आदमी बहुत रोता है ना, बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, फिर एक समय पर उसके आंसू सूख जाते हैं। जब इंसान को बहुत धोखे मिलते हैं, बहुत धोखे मिलते हैं, बहुत धोखे मिलते हैं, फिर एक समय पर वो आयरन जैसा हो जाता, पत्थर जैसा हो जाता है कि अब ठीक है, अब तैयार हैं हम। तो आप ना बहुत टूटेंगे, लेकिन ये टूटना आपके लिए बेस्ट होगा। इस टूटने में ना, अभी आपको जिन लोगों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, आपको असलियत पता चलेगी, और आप सोचते हैं ना कि आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस क्यों नहीं मिलती, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको सक्सेस नहीं होने दे रहे हैं। वो वैसे तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, जी हम चाहते हैं कि आप तो आसमान छुएं, आप तो आसमान की बुलंदियों पर पहुंचे, ये है वो है, लेकिन नहीं, वो मन ही मन आपसे ईर्ष्या करते, वो मन ही मन आपसे जलते हैं, और इसी वजह से वो नहीं चाहते कि आप सक्सेस हो। तो जब उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा, उनसे आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, तो फिर आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो उन्हें पता नहीं चल पाएंगी, आपका जो नेक्स्ट एक्शन है वो उन्हें पता नहीं चल पाएगा, फिर वो आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। पता है अभी आपकी हालत कैसी है? जैसे कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए रखा गया,
कि भाई ये दूध रखा है, तुम इसकी रखवाली करना। हम बिल्ली हो, बिल्ली दूध की रखवाली करेगी? वैसे आप अपने लाइफ के पर्सनल, जो आपकी पर्सनल चीजें हैं, आप उन्हें शेयर करते हैं जो आपके हैं ही नहीं। हाँ, जो आस्तीन के सांप हैं। हम अभी किसको बोलते हैं कि आपकी फैमिली का कोई है, आपका फ्रेंड है, आपका कौन है, आपका रिलेटिव है? हम नहीं बोल सकते। 2022 बोलेगा कि वो कौन है, वो आप खुद भी देख सकते हैं, खुद आप देख लेना। तो ओवरऑल 2022 आपके लिए अच्छा ही होगा, आपके लिए बेहतर ही होगा। और जब ये सब चले जाएंगे ना, तो सक्सेस तो अपने आप आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी, क्योंकि फिर ये होंगे नहीं ना इंटरफेयर करने के लिए। तो डियर, 2022 आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे, बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने चूज़ किया है इस प्यारे से गिफ्ट बॉक्स को। चलिए अब इस गिफ्ट बॉक्स को खोल कर देखिए कि इस 2022 में क्या है आपके लिए इस गिफ्ट बॉक्स में। आप नहीं खोलेंगे, हम ही खोलेंगे। और गुड न्यूज़ है, इतनी सारी सक्सेस, इतनी सारी खुशियाँ, इतनी सारी अबंडेंस, इतना सारा प्यार, इतनी सारी हैप्पीनेस कहाँ रखेंगे आप? थोड़ी सी हमें भी दे देना, क्योंकि 2022 तो आपके लिए बड़ा कमाल का होने वाला है। एक सिंपल सी बात बताएं, अभी आप जहाँ रहते हैं 2022 में आप यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं, सोच रहे हैं क्या कहीं और जाने के लिए? अब चाहे आपको दुखी होकर जाना पड़े, चाहे आपको खुशी खुशी जाना पड़े, लेकिन आप जाएंगे जरूर यहाँ से, कहीं और शिफ्ट होंगे आप, कहीं दूर, कहीं दूर, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, बहुत समय से जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे थे। तो हमें नज़र आ रहा है कि 2022 आपको वहाँ लेकर जाएगा और आपकी लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन होगा, समझ लीजिए बहुत सारी खुशियाँ होंगी। आपकी लाइफ में कंप्लीशन आएगा, हमेशा खुद को अधूरा सा महसूस करते हैं ना, इतना कुछ किया आपने, इतनी मेहनत की आपने, अपने दम पर, अपने बलबूते पर इतना कुछ बनाया आपने, लेकिन आपको संतुष्टि मिलती ही नहीं है। आपको लगता है कभी कभी कि जिंदगी कहाँ जा रही है? इतना कुछ करने के बाद भी, इतनी सक्सेस हासिल करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है? इनर पीस क्यों नहीं मिलता, जिसे सुकून कहते हैं? वो सुकून कहीं खो गया है। इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते 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 संभालते, हार्ड वर्क करते करते, इतना स्ट्रगल करते करते, जैसे कि सुकून कहीं खो गया है। ये सुकून, ये कंप्लीशन, ये खुशियाँ, ये अबंडेंस आपको मिलेंगी 2022 में। आपको पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत दुख देखे हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो आपको कभी कभी लगता है कि कैसे जिए इस ज़िंदगी को? आपको कोई समझने वाला नहीं है, फिर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, किससे अपना दर्द कहें, किससे अपने ज़ख्म दिखाएं, क्योंकि हर कोई तो नमक लेकर घूम रहा है। कितना भी दर्द हो, कितना भी दुख हो, उसे छुपा लेना, अंदर ही अंदर घुट लेना। पता है आप कैसे इंसान हैं? आपने अब तक जो भी पाया है ना, जो भी प्राप्त किया है अपनी बदौलत, ये सारी चीज़ें आपको विरासत में नहीं मिली हैं, आपके दादी बाबा नहीं छोड़ के गए आपके लिए,
आपने अपनी मेहनत पर, अपनी मेहनत से, अपने दम पर ये सब कुछ खड़ा किया है आपने। आपने अपनी पहचान खुद से बनाई है। आपकी पहचान किसी और की कभी मोहताज नहीं रही। आज लोग आपको आपके काम से, आपके नाम से जानते हैं कि आप हैं ये। कुछ लोग होते हैं ना, वो उनका भतीजा है, वो उनका बेटा है, और वो उनका पोता है, वो उनकी पोती है, वो उनकी बेटी है, वो उनकी बहू है, वो उनकी पत्नी है। लेकिन नहीं, आपके साथ ये नाम नहीं है, बल्कि आपसे जुड़े लोगों को आपके नाम से जाना जाता है। ये समझ लीजिए, अपनी जिंदगी में ना पुण्य बहुत कमाए हैं। एक बात समझ लीजिए, आपने जो लोगों को दिया है ना, जो प्यार, जो केयर आपने लोगों को दी है ना, अब उसका 10,000 गुना ज्यादा होकर आपको इस 2022 में मिलने वाला है। आपका प्यार, आपका विश्वास, आपकी आस्था जीतने वाली है। आपको पता है आपकी जिंदगी 2022 में कैसी होगी? जैसे कि हम किसी खेत में कोई बीज डालते हैं ना, तो हमें 10 गुना ज्यादा होकर मिलता है। तो आपने जो बोया है ना, उसे काटने का समय आ गया है। आपको पता, हमने रिश्वत भी नहीं ली आपसे, और आपने हमें दी भी नहीं। मतलब हम ना मांगे तो आप नहीं देंगे, ये तो गलत बात है ना। चलो हमें जल्दी से रिश्वत दे दो। आप में से कुछ लोग हैं शायद जो 2021 से ही काफ़ी परेशान है कुछ चीज़ों को लेकर। आपको हमेशा फील होता है जैसे कुछ नेगेटिविटी है आपके आसपास। आप ऐसा नहीं कि मेडिटेशन वगैरह नहीं करते, आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं, आपके रोम रोम में प्यार भरा हुआ है, लेकिन आप कभी कभी फील करते हैं कि शायद कुछ नेगेटिविटी आपके साथ है, शायद कोई नेगेटिव एनर्जी है। हाँ बिल्कुल, और आप इसे क्लीन कर लीजिए, वरना ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है आपके लिए। बस एक बात समझिए, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जितनी भी महान आत्माएं हैं ना, वो पीड़ा से गुजर कर ही महान बनती हैं। पीड़ा से गुजर कर ही, हर तरह का अनुभव लेकर ही वो एक महान, एक अनुभवी आत्मा बनती हैं। हमारे देश में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनका पास्ट जाकर देखिए, वो पास्ट में क्या थे? किसी का गैराज था, तो कोई रिक्शा चलाता था, कोई चाय बेचता था। हाँ, पता है सब कुछ क्यों होता है जिंदगी में? ताकि आपके पास हर तरह का अनुभव हो, अच्छाई का, बुराई का, हर तरह का अनुभव, हर तरह का एक्सपीरियंस ईश्वर आपको देना चाहते थे। वो आपको हर रास्ते से गुजारना चाहते थे, जिससे आप आने वाले समय में लोगों को समझ सकें। आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतना स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन आपको पता है ईश्वर भार भी उनके कंधों पर ही डालते हैं जिनके कंधे स्ट्रोंग होते हैं, जो उस भार को संभालने लायक होते हैं। और आप हैं, आप हैं। तो डियर, इस 2022 में आपकी लाइफ हर तरह से स्टेबल होने वाली है। कुछ लोगों को उनका सोलमेट, उनका ट्रू लव, उनका जीवन साथी मिलने वाला है, जिसके साथ आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन फील करेंगे। बहुत सारे लोगों की हमें शादी होते हुए नज़र आ रही है 2022 में, और उन्हीं के साथ जिनके साथ आप करना चाहते हैं। हो सकता है कि उनसे आपका काफ़ी डिस्टेंस हो, वो आपके आसपास ना रहते हों। वो सॉन्ग है ना, गज़ल है ना, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। सुना देते हैं आपको। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप ना बहुत दूर है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और आपने अब तक उन्हें देखा भी नहीं है, उनसे जी भर के बातें भी नहीं की हैं, उनको जी भर के देखा भी नहीं है। तो ये समझ लीजिए आपका ये रिश्ता 2022 में मुकम्मल होने वाला है। आपको इस रिश्ते में बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है। हो सकता है कि 2022 में आपके उनके साथ शादी भी हो जाए। कहने का मतलब है कि 2022 ना पाइल नंबर 3 के लिए बहुत 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 ज़्यादा बेहतरीन होगा, करियर के लिए भी, फैमिली के लिए भी, और आपके प्यार के लिए भी। कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं बहुत सारे लोग, कोई एनजीओ खोलना चाहते हैं, कोई हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी, कोई नई शॉप खोलना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं ना कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में, तो ये समझ लीजिए 2022 में वो 100% आप कर सकेंगे। कुछ लोग हमने बताया ना कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं 2022 में। हो सकता है कि अभी आप रेंट पे रह रहे हों तो 2022 में आपका अपना घर होगा। हाँ, आपके सपनों का घर, आपका अपना घर होगा, आप वहाँ शिफ्ट होंगे, आप वहाँ शिफ्ट होंगे। बहुत सारे लोग इधर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, और 2021 से वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। मिलेगा ना 2022 में 100% मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा अपने दिल की बात कह कह के हार जाते हैं, फिर ना हम अपने मन को मार लेते हैं, फिर हम फीलिंग्स छुपाना शुरू कर देते हैं, फिर हम स्ट्रिक्ट बन जाते हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और ये दिखाते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दिल में तो हमेशा यही ख्याल रहता है ना कि काश वो मुझे समझती, काश वो मुझे समझ पाता। हम उनसे कहने नहीं जाते, लेकिन ख्वाहिश हमेशा यही होती है। तो 2022 में आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, जिनके लिए भी आप सोचते हैं कि काश वो मुझे समझते, काश वो मेरे प्यार को समझ पाते, तो बिल्कुल ऐसा होगा। 2022 आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ देने वाला है, और स्पेशली ना जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, वो अपने अस्तित्व को समझने वाले हैं, वो एक्चुअल में क्या हैं, समझ रहे हैं, वो कौन हैं, इस पृथ्वी पर आने का उनका क्या मकसद है, क्या पर्पस है, वो अपने सोल पर्पस को समझने वाले हैं 2022 में। ये समझ लीजिए कि बहुत लोगों की ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग होगी, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से आपको बदलती हुई नज़र आएगी, वो भी पॉजिटिव तरीके से। आप में से बहुत सारे लोगों का थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा एक्टिवेट होने वाला है, आपको एक सुकून मिलने वाला है, आपको इनर पीस मिलने वाला है। जो ख्वाहिशें, जो इच्छाएं आपकी बहुत पुरानी थी, जो दब गई हैं, जो मर गई हैं कहीं ना कहीं, आपने कभी चाहा था कि काश ऐसा हो पाता, लेकिन बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे रह गई, और फिर आपने उनके बारे में सोचना छोड़ दिया। तो वो सारी ख्वाहिशें आपकी 2022 में ईश्वर पूरी करेंगे। आपकी लाइफ में इतनी इतनी खुशियां होंगी, इतना सेलिब्रेशन होगा, हम आपको क्या बताएं। ये 2022 ना आपके लिए हर तरह से बहुत बेस्ट, बहुत पॉजिटिव, बहुत लकी होने वाला है, डियर, बहुत लकी। आपको बहुत सारा जस्टिस मिलने वाला है। आपको लगता है ना कि आप जितना करते हैं उतना मिलता नहीं है, जितना देते हैं उतना पाते नहीं हैं, सब कुछ मिलेगा। अब होगी इक्वल गिव एंड टेक, अब होगी, और बहुत सारे लोगों का इधर यूनियन होगा 2022 में। बस आप इतना समझिए कि अब तक आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ ना, वो सब ईश्वर की एक प्लानिंग थी, ताकि आप एक महान आत्मा बन सके, आप एक अनुभवी आत्मा बन सके, जिससे आने वाले समय में आप लोगों को अपने अनुभव के बेस पर
सही रास्ता दिखा सकें, उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकें, उन्हें खुशियों का रास्ता दिखा सकें। तो डियर, अब कहते ना 100 बात की एक बात, 2022 आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पता है जब हमने एंजल से पूछा कि पाइल नंबर 3 के लिए 2022 कैसा होगा, जब हमने कार्ड शफल किए ना, ट्रस्ट मी, पता है कौन सा कार्ड आया? सन कार्ड आया, जस्टिस कार्ड आया, एस ऑफ पेंटिकल आया, एस ऑफ कप्स आया, क्या बताएं कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं। कभी कभी स्पीचलेस हो जाते हैं, कभी कभी शब्द नहीं होते, जो दिल में होता है ना, जो खुशी दिल में होती है ना, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते। बस आप समझ लो, हम बयान नहीं कर पा रहे हैं। बस 2022 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपने जो मेहनत की है, आपने जो स्ट्रगल किया है, उन सब का आपको फल मिलने वाला है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।